बैग तोड़ दिया उसने, जा टूट गया, जा। गुड मॉर्निंग गाइस, 6:30 बज रहे हैं अभी, अभी उठे, लेट्स गो टू द मॉर्निंग राइड। मम्मी की कोर्स है, की कोर्स है मम्मी, बाप रे बाप की ठंड लग ची मम्मी, तो तेरे को तो जाए ना, मेरे कहेंगे तू बाहर चू, उफ जल्दी दो बाहर पुट के, जो ध्यान भरे ना ही जल्दी, ठंड सो कोल्ड गाइस, जल्दी दो। ओके आकी जी नहीं, चलो सुबह सुबह काम मिल गया, कचरा भी क्या आते हैं, लेट्स गो गाइस, मिलते हैं आप लोगों से। फाइनली गाइस अपन रेडी हो चुका है, और एक चीज दिखाते हैं, अरे बस देखते हैं, मतलब हम जो बस्ती वाली रहते हैं उसका खासियत देखो आप लोग, अगर ऐसा आपको दिखाई दिए तो समझ जाना कि ये बस्ती वाली है। तो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू ब्लॉग, टुडे ब्लॉग इज गोइंग टू वेरी 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 इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं सुबह सुबह उठ गया हूँ, तो लेट्स गो गाइस। अभी सुबह सुबह का ड्यूटी मिल गया मुझे, ये कचरा का डिब्बा बिकना है आपको बाहर, लेट्स गो। सो फाइनली गाइस अपन रेडी हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा एक्सरसाइज करने, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले तो 2021 खत्म, कैसे स्टार्ट हुआ कैसे खत्म हुआ डोंट नो, कुछ समझ में नहीं आया, स्टार्ट होते ही खत्म हो गया। ऋतिक ऑलरेडी वेट कर रहा है मेरा, तो उससे मिलाते हैं आप लोगों से। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं ऋतिक के घर, और ऋतिक के घर जाने के बाद सबसे पहले दिखाता मिलवाता आप लोगों एक चीज से, इस शख्स से मिलो आप लोग। तो गाइस ऋतिक है, ही इज हियर, आई एम हियर, एंड लेट्स गो गाइस, लेट्स गो टू द गंगा जी। चल बॉडी बिल्ड होने के बाद ताकत बढ़ गया इसका, चल रुक रे रुक जा। तो फाइनली गाइस हम लोग बाराबंदी घाट पहुंच चुके हैं, और ये गब्बे के संग होते रहता है, कभी भी इसको लेके निकलने से वो बाहर का कुत्ता भौंकते रहता है, वो तो नॉर्मल सा बात है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, और गब्बर हम लोग को लेके जा रहे हैं आगे आगे बाराबंदी घाट, ये ऑलमोस्ट सारा ये पूरा जगह पहचान चुका है, मतलब इसको अगर छोड़ भी दो ना तो ऐसे आ जाएगा ये, इधर इधर कोई ना। तो गाइस लेट्स गो, और थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, गब्बर को थोड़ा एक्सरसाइज करवाते हैं। कैसे हो आप लोग? फुल ट्रेन रोड वाले, देख रहे हो हाथ छोड़ के इसको लेके हम लोग पूरा। तो अभी गाइस बहुत देर से मैं दोस्त वेट कर रहा है, तो हम लोग जाते हैं उसके पास, उससे मिलते हैं, और आई डोंट नो क्या रिएक्शन रहेगा उसका, देखो बहुत अग्रेसिव हो जाएगा, पूरा एक खतरनाक रॉड व्हीलर जैसा। तो मिलाते हैं आप लोगों से, लेट्स गो। तो भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, तो भी हम लोग को छोड़ के जा रहा है। सुमन तो सावधान रहना, ठीक है सुना, आज का तो वेदर है ना बहुत खतरनाक ठंड लगा, ठंड में ना एक प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आप लोगों से। अरे ओ भाई सीरियसली, मतलब अभी अभी ऋतिक ऐसे दौड़ के जा रहा था, और ये इसको हाँ वही बोला था, मतलब ध्यान से नहीं दिया ऐसे, पूरा खतरनाक ऐसे लगने वाला था इसको। तो पता है क्या होता है ठंड का दिन में, दो चीज प्रॉब्लम है बताता हूँ, एक तो मॉर्निंग में उठने वाला प्रॉब्लम, मतलब मॉर्निंग में उठने नहीं मांगता है कोई, दूसरा पॉटी जाना एक प्रॉब्लम, कोई पॉटी जाने नहीं मांगता है, बहुत लाइफ में प्रॉब्लम। गब्बर खोज रहा है एक डॉगी को, मिला रे, क्या खोज रहा है गब्बर। सो ये जो बहना है ये अपना जान का रिस्क लेके गब्बर को भी छूने जा रहा है, अगर मर गया ना तो सुसाइड नोट लिख लेना कि मैं अपने मन से सोया हूँ, ठीक है, हमको नहीं बता रहा, पहले बता रहा है, ये अपना जान का रिस्क लेके गब्बर को छूने आया है। और गब्बर कुछ कर, गब्बर गब्बर इतना क्यूट क्यों है गब्बर, वो ठंड लगता है। गब्बर का और स्ट्रीट डॉग का फाइट हो रहा है 1v2, रुको गो गब्बर गो गब्बर, खतरनाक वाला फाइट हो रहा है गब्बर बीटिंग स्ट्रीट डॉग, और अभी शायद गब्बर डोमिनेट कर रहा है, और यहाँ पे वो भी नहीं डर रहा, लेकिन ये बात उसका बहुत सही लगा, वो डर नहीं रहा लेकिन। तो फाइनली गाइस हम रिफ्रेश हो चुके हैं, गब्बर भी रिफ्रेश हो चुका है, ऋतिक भी हो चुका है, मॉर्निंग में उठ के बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है,
तो अभी बारामंदी का टाइम खत्म हो गया, अभी घर जा रहे हैं हम लोग। तो लेट्स गो गाइस, घर में जाके मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय। For so long I was living my life was so wrong. So guys, अभी टाइम पे से बाय टू रितिक एंड बाय टू गब्बर आल्सो। गब्बर बाय बाय। बाय बाय गब्बर। बाय बाय। टाटा। डंडा लो गब्बर। टाटा हाँ, मिलते हैं कल। फाइनली गाइस अभी अपन घर पहुंच गया है और बहुत जोर से भूख लग रहा है, कुछ खाने का है नहीं। मतलब खिला ले मम्मी, मम्मी कुछ खिला दो। देखो कैसे अपने अकेले के लिए खा रहे, मेरे को कुछ खाने को नहीं दे रहे। बोले कैमरा ऑन किया तो खिलाने लगा। तो हे गाइस, मैं तो बॉडी पूरा थका हुआ था, मैं खाना वाना खा के पर्स हो गया था और अभी उठा। तो मेरे को वीडियो अपलोड भी करना है, शेड्यूल कर देता हूँ वीडियो अपलोड करके, शाम को छूट जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीरज के घर, वहाँ पे वाईफाई है तो वहाँ से इजी होगा छूटने के लिए। तो लेट्स गो गाइस, जाते हैं वहाँ पे और मिलते हैं आप लोग वहाँ जाके। तो हे गाइस, फाइनली अपन पहुँच चुका है नीरज भाई के घर और नीरज भाई बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। मैंने फ़ोन किया था, वो एडिटिंग कर रहे थे। तो लेट्स सी, देखते हैं वो क्या करते हैं। आंटी लोग यहीं पे, मेरे को शर्म आएगा थोड़ा, तो जाते हैं उसके पास। बाय नीरज डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का, अभी तक सो के नहीं उठा। इसका तबियत खराब था गाइस का, देखो कितना डेडिकेशन काम कर रहा है अभी भी। तो फाइनली गाइस वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है, मैं शेड्यूल के लिए बैठा दिया हूँ और 6:30 मेरा वीडियो पब्लिश हो जाएगा। और यहाँ पे अभी नीरज भाई भी अपना वीडियो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ये भाई का 30 ऐसे बीत रहा है। तो मेरा अभी वीडियो पब्लिश हो रहा है, देख सकते हो आप लोग। तो लेट्स सी, तो अभी मेरे को ना ये वीडियो ऑलमोस्ट 2 GB का है, तो मेरे को अभी वाईफाई में जाके कनेक्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स गो वाईफाई पे कनेक्ट करते हैं और मेरा वाईफाई यहाँ पे अलग ही जगह पे मिलता है। मम्मी लोग नहीं है ना बाहर, थोड़ा अभी देखो अभी कैमरा कॉन्फिडेंस मेरा गया नहीं है, तो आंटी लोग है वो सारे मारते हैं। यहाँ पे सीरियसली गाइस अभी 38% अपलोड हुआ है और कब से ऑलमोस्ट आधा से 1 घंटा होने वाला है। इरिटेटिंग है गाइस। अभी हमें अब जो बाथरूम का जगह है वो नीरज भाई कब्जा कर लिया, वो अपने लैपटॉप से अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और क्या 6 ना अपलोड होगा रे? मेरा वाला होगा गाइस, मेरा तो वीडियो अपलोड हुआ नहीं, 38 में रुक गया था। और नीरज भाई ने अपना लैपटॉप कनेक्ट करने के बाद उसका अभी खटाखट फ्लाई वे मारते मारते आगे निकल गया। सुई से निकला, वाईफाई भी धोखा दे रहा है मेरे को। देखो इसका, और हम लोग पता है कहाँ पे, अभी हम लोग बाथरूम पे जहाँ पे हम लोग मतलब ये नहाता है वहीं पे हम लोग बैठ कर वाईफाई कनेक्ट करके चला रहे। तो ये लाइफ स्ट्रगल लाइफ गाइस, कुछ दिन बाद अपने रूम में वाईफाई जियो फाइबर होगा अभी कुछ दिन बाद। बड़े आदमी ठीक है भाई, बाय बाय, मिलते हैं थोड़ा देर बाद, हम लोग कहीं निकलेंगे तो मिलाएंगे आप लोगों से। देखो कैसे पड़ा हुआ मेरा पूरा लाभारी फूल जैसा। ओके वीडियो फाइनली हो चुका है गाइस, फाइनली पब्लिश हो चुका है वीडियो, गो एंड वॉच एंड प्यार दो गाइस। तो फाइनली गाइस अभी अपन नीरज के घर से अपने घर आ चुके हैं और मेरा क्लब जाने का तो प्लान था लेकिन फोन आया कि कोई आ नहीं रहा है क्लब, आज क्लब कैंसिल, क्लब में नहीं जा रहा हूँ। और मम्मी मम्मी कुछ बना रही है खाना, क्या बनाओ छो मम्मू? आलू का पराठा बन रहा है अपन के लिए। ये बॉय, आज अपन आलू का पराठा खाएंगे और लेट्स सी कब तक बनता है, बहुत जोर भूख लगा है, कुछ खाना पड़ेगा अभी। तो अभी जाते हैं वहाँ पे, कुछ पार्टी वार्टी हो रहा है 31 का, तो देखते हैं वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। वो लोग नहीं पता रहे, वो ये करो, खेलो खेलो। ओ भाई दो शाबाश, ये खेल के बहुत ही मजा आता है, एक बॉडी गर्म भी हो जाता है और मजा भी आता है, बॉडी फिट भी रहता है। अगर आप लोग ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे ठंड में, तो यू कैन प्ले बैडमिंटन एज वेल। वहाँ पे वो लोग खेल रहे हैं, यहाँ पे मैं और भाई बच्चा खेल रहे हैं। लेट्स गो, लेट्स सी हु गोना विन। जा, बैट तोड़ दिया उसने, जा टूट गया, जा। तो गाइस अभी जस्ट बैडमिंटन बंद हुआ और हालत खराब हो गया, बहुत खेला हपा गया, पसीना आ गया। नाउ इट्स टाइम फॉर रेस्ट,
तो विक्की भाई कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर हारने के लिए फ्री फायर प्लेयर। फाइनली गाइस अभी मैं वहाँ से खेल खुल कर घर आ चुका हूँ, सारा कुछ हो चुका है। अभी बजे ऑलमोस्ट 9:30 और मेरा रोटी और चिकन बन चुका है ऑलरेडी। रोटी चिकन बन गया, वाह, मुंह में पानी आ रहा है मेरे को देख के। सो गाइस नाउ टाइम फॉर ईटिंग और खाना लेके आ रही है। जल्दी दो जल्दी दो, इट इज लव। तो देयर इज चिकन, देयर इज आलू का परोठा एंड आई लव टू ईट आलू का परोठा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो जाते हैं खाने खाने। और ये राधे मूवी बहुत मस्त है। अभी मैं देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम और आई होप कि अच्छा होगा मूवी, मैं देखा नहीं अब तक। अब खाना इंजॉय कर दो। फाइनली गाइस रिटर्न डन हो चुका है और आई एम शूटिंग व्लॉगिंग मम्मी और मम्मी भरते माजी। तो गाइस अभी फाइनली डिनर डन हो चुका है, अभी स्पीड शूटर देख रहे हैं हम लोग और मिलते हैं किसी ऐसे ब्लॉग के साथ अगले दिन। बाय बाय, टेक केयर।